दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेशर सेंसर के बारे में कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेशर सेंसर यूज़ होते हैं, जैसे आपने प्रेशर स्विच देखे होंगे, प्रेशर ट्रांसमीटर देखे होंगे, अलग अलग टाइप के ये डिवाइसेस इंडस्ट्री के अंदर प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनकी आउटपुट कैसे मिलती है और PLC के साथ इनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री में आपने अलग अलग टाइप के प्रेशर स्विच देखे होंगे। इन प्रेशर स्विच की जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग रहती है। मान लीजिए कहीं आपको न्यूमेटिक है, आपकी न्यूमेटिक की रिक्वायरमेंट है, आपकी एयर की रिक्वायरमेंट है कि आपको एयर का प्रेशर मेजर करना है, तो आप एक एयर प्रेशर स्विच का यूज़ करोगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाइड्रोलिक प्रेशर को मेजरमेंट करने की है तो आप हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच का इस्तेमाल करोगे। इस तरीके के जो प्रेशर स्विच आपने जनरली फायर हाइड्रेंट, जो पानी का प्रेशर हम पाइपलाइन के अंदर बना के रखते हैं, उस पर देखा होगा, तो ये डेनफोस वगैरह के प्रेशर स्विच का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। या फिर आपको कहीं पे आपका कोई गैस है, गैस के प्रेशर की मेजरमेंट है, या कोई फ्लूड आपका चल रहा है उसके फ्लू मेजरमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको स्मार्ट टाइप का सेंसर चाहिए, तो इस तरीके के आपको आप सेंसर भी आपने इंडस्ट्री के अंदर देखे होंगे। तो ये जो सेंसर हैं, ये अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक प्रेशर सेंसर है, किसी ने आपको बता दिया कि जी ये प्रेशर सेंसर है, और आपने उसको एयर मापने के लिए भी चिपका दोगे, आप उसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी माप लोगे उससे, आपके पास कोई फ्लूड है उसका प्रेशर भी आप माप लोगे उससे। नहीं, अलग एप्लीकेशन के लिए अलग टाइप का प्रेशर सेंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको एयर का प्रेशर मापना है तो एयर का लगाओगे, नाइट्रोजन के लिए अलग आएगा, हाइड्रोलिक फ्लूड के लिए अलग आएगा, ठीक है, या कोई आपका अलग टाइप का लिक्विड है, फ्लूड है, उसके लिए आपका अलग टाइप का प्रेशर सेंसर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही अपने प्रेशर सेंसर को चूज करना है। जो प्रेशर सेंसर है वो अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग आते हैं। अब प्रेशर सेंसर को समझने से पहले जरा समझ लेते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या होता है। प्रेशर सेंसर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, कि आपको कहीं पे भी किसी भी फ्लूड का या गैस का प्रेशर मेजर करना है तो आप क्या लगाओगे, प्रेशर सेंसर लगाओगे। अब ये जो प्रेशर है ये होता क्या है, देखिए ये डेफिनेशन हम 5वीं 7वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू ए यूनिट ऑफ एरिया, पी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। ये सभी को पता होगा कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम फोर्स लेते हैं और जितने एरिया पे वो फोर्स लगाई जाती है उसको उससे डिवाइड कर देते तो हमारे पास प्रेशर आ जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है और इसके ऊपर मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरे को अगर प्रेशर निकालना है तो मैं ये जो फोर्स एफ है इसको इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा कि इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर अभी लग रहा है। तो मेरे को प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ ये जो फोर्स है इसका पता होना चाहिए और जो एरिया है इसका साइज पता होना चाहिए, तो मैं प्रेशर निकाल लूंगा। तो ये होता है प्रेशर, बिल्कुल सिंपल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जितने एरिया में आपने फोर्स लगाया वो आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। अब ये जो प्रेशर है ये बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर तीन इसकी यूनिट चलती है मेजरमेंट की। एक तो आपने प्रेशर देखा होगा पास्कल में, आपको पास्कल देखने को मिल जाएगा, बार, ठीक है, और PSI। जनरली जो एयर प्रेशर मेजर करते हैं हम बार के अंदर मेजर करते हैं कि कितने बार का एयर प्रेशर है, 4 बार, 6 बार, 4 बार पैडली हमारी मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें ऑपरेट होती हैं, 6 बार की रिक्वायरमेंट भी रहती है, 8 बार की रिक्वायरमेंट भी रहती है। ऐसे ही पास्कल आपकी यूनिट रहती है, आपको पास्कल के भी गेजेस मिल जाएंगे, यूनिट मिल जाएगी। PSI भी रहता है, पाउंड पर स्केयर इंच, ये भी एक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट रहती है। तो इंडस्ट्री के अंदर तीन टाइप से प्रेशर को मेजर किया जाता है, एक पास्कल में मेजर कर सकते हो, बार में मेजर कर सकते हो और PSI में मेजर कर सकते हो। अब ये जो प्रेशर है इसको आप मेजर कैसे करोगे, ये जो प्रेशर मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और इसको आप पास्कल में, बार में, PSI में मेजर कर सकते हैं, इसको करेंगे कैसे, जो ये प्रेशर सेंसर है ये काम कैसे करेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो प्रेशर सेंसर होता है ये एक तरीके का ट्रांसड्यूसर होता है। क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसड्यूसर, या इसको आप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो प्रेशर क्या है बेसिकली, प्रेशर सेंसर क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके दे देता है। किस में कन्वर्ट करके दे देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके दे देता है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम फर्दर अपने सिस्टम के अंदर, अपनी मशीन के अंदर यूज़ करते हैं। ये चीज़
इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि जितना हमें प्रेशर चाहिए था वो हमारा प्रेशर अचीव हो चुका है या नहीं अचीव हुआ, या हमारा अभी प्रेशर कितना चल रहा है। तो प्रेशर सेंसर बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर को मेजर करके, जो कि फील्ड से प्रेशर को मेजर करके, मैकेनिकल प्रेशर को मेजर करके हमें एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल के रूप में उसको दे देता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम अपने सिस्टम के अंदर ये चीज इंश्योर करते हैं कि जो प्रेशर हमने सेट कर रखा था वो प्रेशर अचीव हुआ या नहीं हुआ, कितना प्रेशर अभी मेरा चल रहा है, वो सारा कुछ हम किसकी सहायता से करते हैं, प्रेशर सेंसर की सहायता से करते हैं। और प्रेशर सेंसर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें एक आउटपुट दे देता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करके हम सारा अपना काम करते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के प्रेशर स्विच होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे जो प्रेशर स्विच है इस पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको अपनी लाइन पे कनेक्ट करोगे, इस प्रेशर स्विच को यहाँ पे मेन लाइन पे कनेक्ट होगा, यहां से जो है ये प्रेशर को मेजर करेगा, प्रेशर को मेजर करने के बाद ये ट्रांसड्यूसर इस प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पे हम अपनी वायर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हमें एक आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा प्रेशर का इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो प्रेशर स्विच एक बेसिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम फिर अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज़ करके अपनी मशीन को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको जो इसका कनेक्शन करना है इनपुट का और इसके अंदर इसका कवर ओपन हो जाएगा, कवर ओपन होने के बाद इस सेंसर के अंदर आप वायरिंग कर दोगे तो जो प्रेशर आपको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ये सेंसर, प्रेशर सेंसर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप अपनी लाइन में कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से इसको आप अपनी लाइन पे कनेक्ट कर दोगे और यहाँ पे ये जो दो पिन दे रही हैं यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ऐसे ही ये प्रेशर स्विच है, इसको भी लाइन में कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे ऊपर एक कनेक्टर लगेगा, वायर होंगी यहाँ पे और आपका जो प्रेशर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर मिल जाएगा। तो प्रेशर सेंसर बेसिकली प्रेशर को मेजर करके उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के लिए सेंसर हमें आउटपुट दे देता है। अब ये जो प्रेशर सेंसर है ये काम कैसे करते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया कि प्रेशर क्या होता है, यूनिट प्रेशर की होती है ये। अब प्रेशर सेंसर इस प्रेशर को मेजर करता है। अब ये प्रेशर सेंसर मेजर कैसे करता है, देखिए ये जो प्रेशर सेंसर है, मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है, यहाँ पे मैंने ये पंप लगा रखा है, ठीक है, पंप लगा रखा है, पंप के अंदर ये कोई फ्लूड चल रहा है, ठीक है, ये पंप इस फ्लूड को यहाँ से उठाता है और इस वाले टैंक में यहाँ पे डाल देता है। अब यहाँ पे लाइन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे मैं प्रेशर को मेजर करना चाहता हूँ कि मेरा कितना प्रेशर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को मेजर करने के लिए लाइन में यहाँ पे मैं एक प्रेशर स्विच लगाऊंगा, मेरे को जहाँ पे जिस जगह पे प्रेशर मेजर करना है मैं वहीं पे लाइन में प्रेशर स्विच लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर मेजर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और प्रेशर स्विच लगा दूं यहाँ पे, तो मेरे को तो पंप से आउटपुट में प्रेशर चाहिए, अगर मैं इनपुट में लगा दूंगा तो मेरा काम होने वाला नहीं है, मेरे को इनपुट प्रेशर मिलेगा, मेरे को पंप का आउटपुट का प्रेशर चाहिए तो मैं आउटपुट वाली लाइन पे ही लगाऊंगा। तो मेरे को जहां भी जिस जगह पे प्रेशर लगाना, प्रेशर को मेजर करना है वहां पे मैं प्रेशर स्विच को लगा दूंगा और ये जो कनेक्टर है इस पे अपनी इलेक्ट्रिकल वायर को कनेक्ट करके आगे अपने सिस्टम में ले जाऊंगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो भी प्रेशर है उसको मैं मेजर कर लूंगा। तो इस तरीके से जो प्रेशर स्विच है उसको हम लाइन में इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो प्रेशर स्विच है, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये जो प्रेशर है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसका कन्वर्ट करने का क्या तरीका रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे तो इसको लाइन पे कनेक्ट कर दिया, मैंने इस प्रेशर स्विच को अपनी लाइन पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रेशर सेंसर है ये यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है इस एंड पे, जिस पे प्रेशर आता है इसको इस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके दे देगा, बस इतना सा काम करेगा। अब ये जो कन्वर्जन कैसे होगी, ये जो कन्वर्जन है वो कैसे होगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म लगा होगा। तो देखिए जो प्रेशर सेंसर होते हैं ये क्या, एक प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट का यूज करते हैं एक्चुअल प्रेशर को मेजर करने के लिए। यहां पे जो ये जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर एक प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट लगा रहता है। जब मैं इस एंड से प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो वो जो प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट है वो इस प्रेशर को महसूस करता है, सेंस करता है कि हाँ बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हुई है, बाहर से क्या हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है। ये जो प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट है आगे एक और कन्वर्टर से जुड़ा रहता है। वो कन्वर्टर क्या करता है, जो इस प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट के ऊपर फोर्स आई है उस फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट होता है कि जहां से एक वो एलिमेंट आप
प्रेशर को सेंस कर रहे हो, दूसरा उस एलिमेंट के अंदर जो मैकेनिकल मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट को सेंस करके एक कन्वर्टर, एक सर्किट लगा रहता है जो सर्किट आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है उस प्रेशर को। अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर स्विच है, ये तीन टाइप के बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक तो स्ट्रेन गेज प्रेशर सेंसर, मतलब कि जो मैं अभी सेंसिंग एलिमेंट बात कर रहा था ना, एक तो वो क्या हो सकता है, स्ट्रेन गेज हो सकता है। दूसरा कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर हो सकता है कि कैपेसिटेंस को यूज करके आप जो प्रेशर की, प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है फील्ड के अंदर उसको आप सेंस कर रहे हो। तीसरा आपका पीजो रजिस्टिव प्रेशर सेंसर हो सकते हैं। तो ये जो प्रेशर स्विच होते हैं उनके अंदर की बात कर रहा हूँ, वो अंदर जो मैकेनिकल सर्किट लगे रहते हैं, उनके इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे रहते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे कैसे काम करते हैं, तो वो तीन टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो स्ट्रेन गेज प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं, दूसरा कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर हो सकते हैं, तीसरा पीजो रजिस्टिव प्रेशर सेंसर हो सकते हैं। इनके बारे में आगे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर स्विच के अंदर होता क्या है। किसी भी प्रेशर स्विच के अंदर इन तीनों में से कोई एक टाइप का मैकेनिज्म हो सकता है, या तो वो स्ट्रेन गेज टाइप सिस्टम हो सकता है, या वो कैपेसिटिव प्रेशर सिस्टम हो सकता है, या वो पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सिस्टम हो सकता है। जो भी सेंसिंग एलिमेंट की बात कर रहा था मैं कि प्रेशर स्विच के अंदर दो पार्ट होते हैं, पहले वाला सेंसिंग एलिमेंट जो फील्ड से फिजिकली प्रेशर को डायरेक्ट महसूस करता है कि सेंस करता है कितना भी प्रेशर चल रहा है, वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। आगे फर्दर एक कन्वर्टर लगा रहता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा रहता है है, जो इन इस जो ये प्रेशर सेंसिटिव एलिमेंट है इससे जो आउटपुट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रेशर स्विच बेसिकली तीन प्रिंसिपल पे काम करते हुए आपको मिल सकते हैं, स्ट्रेन गेज, कैपेसिटिव और पीजो रेजिस्टिव। अब प्रेशर स्विच को मापने के लिए आपको प्रेशर गेज की भी जरूरत पड़ सकती है कि आपका प्रेशर कितना चल रहा है एक्चुअल में। अगर आप अपने प्रेशर स्विच के आउटपुट को कंफर्म करना चाहते हो कि आपने कोई प्रेशर स्विच लगा दिया सिस्टम के अंदर और आपने उसको चार बार पे सेट कर दिया, अब आप एक्चुअल में वो चार बार पे हो रहा है कितने पे हो रहा है वो चीज़ देखने के लिए आप प्रेशर गेज का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके के प्रेशर गेज आते हैं जिनसे कि हम अपना प्रेशर देख सकते हैं। ये भी यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं, जैसे बार के लिए चाहिए तो ये बार है, रेड वाला जो है आपका बार है, और नीचे PSI, ये ब्लैक वाला आपका PSI है, ठीक है। ऐसे ही MPA के लिए चाहिए तो ये ब्लैक वाला ऊपर MPA है और रेड वाला PSI है, इसके अंदर बार का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर MPA का ऑप्शन नहीं है। तो अलग अलग टाइप के प्रेशर गेज आते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपका कि आपको बार में देखना है या आपको MPA में देखना है, मतलब MPA मतलब पास्कल के अंदर देखना है, PSI मतलब आपको जो मैंने आपको पाउंड स्क्वायर इंच बताया था उसके अंदर अगर आपको देखना है तो तीन यूनिट प्रेशर की रहती हैं, उन तीनों यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग गेजेस आते हैं। आप जिसमें भी देखना चाहते हो आपके पास वो सूटेबल गेज होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने प्रेशर को देखना है बार के अंदर और आपकी गेज के अंदर बार का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्दर इनका एक फार्मूला रहता है, उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रेशर को आपको कहीं पे प्रेशर स्विच जो है आपका प्रेशर सेंसर है उसके आउटपुट को आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप गेज की सहायता से चेक कर सकते हो कि इतने प्रेशर पे ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, गेज से आप उस चीज को कंफर्म कर सकते हो। आप लाइन के अंदर गेज भी लगा सकते हो, प्रेशर गेज जो होते हैं वो प्रेशर को डिस्प्ले कराने के काम आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर सेंसर कि प्रेशर सेंसर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मैं अभी तक आपको बता चुका हूं प्रेशर कैसे काम करता है, प्रेशर सेंसर किस किस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, किस किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जो स्ट्रेन गेज वाला बताया था। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेशर सेंसर, प्रेशर सेंसर के कितने टाइप होते हैं। तो प्रेशर सेंसर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आप बोलते हो प्रेशर स्विच, दूसरे आप बोलते हो प्रेशर ट्रांसमीटर। एक होता है प्रेशर स्विच, दूसरा क्या होता है प्रेशर ट्रांसमीटर। अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, बंदे जनरली जितने भी प्रेशर सेंसर लगे होते हैं सभी को प्रेशर स्विच ही बोल देते हैं, जबकि प्रेशर स्विच और प्रेशर ट्रांसमीटर दो अलग अलग टाइप के प्रेशर सेंसर हैं। प्रेशर स्विच जो होते हैं वो हमें डिजिटल आउटपुट देते हैं प्रेशर के लिए कि मतलब प्रेशर को सेंस किया, इसके अंदर एक सेट पॉइंट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रेशर स्विच है, आपने उसको 5 बार पे सेट कर दिया और लाइन पे लगा दिया, जैसे ही लाइन के अंदर 5 बार प्रेशर होगा तो ये आपको एक NONC डिजिटल कॉन्टैक्ट होता है इसके अंदर, आप उसके थ्रू आपका जो कॉन्टैक्ट है वो स्विच हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको अपना स्विच करा सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। तो जो प्रेशर स्विच है वो किस में आउटपुट देते हैं, डिजिटल में देते हैं। ये सिर्फ इतना बता सकते हैं कि लाइन के अंदर मान लीजिए आपने प्रेशर स्विच को 5 बार पे सेट कर दिया, आपकी लाइन में 5 बार प्रेशर है या नहीं है, ये सिर्फ इतना कंफर्म करेगा, आपको सिर्फ इतना ही बता पाएगा कि आपने 5 बार प्रेशर को अचीव कर लिया या नहीं कर लिया, ठीक है। अब
प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है इसकी आउटपुट होती है एनालॉग, इसकी आउटपुट एनालॉग आउटपुट होती है, और ये एनालॉग आउटपुट वोल्टेज और करंट की फॉर्म में आपको मिल सकती है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप के हो सकती है, कैसे क्या हो सकता है। और ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर की आउटपुट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्रेशर के, कि लाइन के अंदर आपका जितना प्रेशर है उतना ही वोल्टेज या करंट आपको प्रेशर स्विच आउटपुट में निकाल के देगा। अगर आपका 0 bar प्रेशर है तो आउटपुट में 0 मिलेगा, और अगर आपने प्रेशर, आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसकी सेटिंग के ऊपर रहता है, मान लीजिए आपका 10 बार का प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो जब आपका 10 बार प्रेशर पहुंच जाएगा और आपको उससे वोल्टेज की फॉर्म में आउटपुट मिल रही है तो 10 बार पे आपको 10 वोल्ट मिलेगी, और जब आपका 0 प्रेशर होगा तो आपको 0 वोल्ट मिलेगी, आपका 5 बार प्रेशर होगा तो आपको 5 वोल्ट मिलेगी। तो इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मैकेनिकल प्रेशर, जो आपका फील्ड के अंदर प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी आउटपुट रहती है। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए आपका प्रेशर 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा है, तो आपका जो ट्रांसमीटर का आउटपुट है वो भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करता है, एनालॉग आउटपुट देता है, और प्रेशर स्विच क्या देता है, डिजिटल आउटपुट देता है। इस तरीके से इनकी जो है वेवफॉर्म रहती है। प्रेशर स्विच यही बता सकता है कि या तो आपका प्रेशर अचीव हो चुका है या आपका प्रेशर अचीव नहीं हुआ है, जबकि जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसका जो आउटपुट है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो रहा है तो आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रेशर स्विच और प्रेशर ट्रांसमीटर। अब इस तरीके से प्रेशर स्विच आपने देखे होंगे, ये जो प्रेशर स्विच है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रेशर स्विच के अंदर यहाँ पे देखिए लाइन पे इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से जो फ्लूड है वो अपना प्रेशर बनाएगा, या गैस है जो भी है आपका मीडियम वो प्रेशर बनाएगा, और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे आपको NONC कॉन्टैक्ट दिखे देंगे। यहाँ पे क्या दिखाई देंगे आपको, NONC कॉन्टैक्ट जो है वो दिखाई देंगे। आप जितना सेटिंग कर दोगे तो यहाँ पे जो है NONC कॉन्टैक्ट ना स्विच हो जाएंगे। कॉमन पे आप जो भी सिग्नल दोगे, जैसे ही प्रेशर अचीव होगा NO से आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा, और अगर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है NC से उस टाइम पे आउटपुट आपका कट जाएगा। तो डिजिटल प्रेशर स्विच जो है इस तरीके का उनके अंदर रहता है, NONC आपको मिलते हैं, और NONC की वायरिंग करके आप अपनी आउटपुट प्रेशर स्विच से ले सकते हो। जैसे ही आपने जो सेटिंग की है उस सेटिंग पे आपका प्रेशर पहुंचेगा, आपका जो है प्रेशर स्विच आपको आउटपुट दे देगा। अब देख लेते हैं प्रेशर स्विच कितने टाइप के हो सकते हैं। तो प्रेशर स्विच बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपको नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मिल सकता है, सिर्फ NC कॉन्टैक्ट मिल सकता है, या फिर NONC दोनों कॉन्टैक्ट आपको उसके अंदर प्रेशर स्विच में मिल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे अभी जो प्रेशर स्विच दिखाया था उसमें आपको NO भी मिल रहा है, NC भी मिल रहा है, तो आपका वो इस टाइप का है। आपके पास ऐसा प्रेशर स्विच भी हो सकता है कि जिसमें सिर्फ आपको एक NO कॉन्टैक्ट ही मिले, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक NC कॉन्टैक्ट ही मिले। तो ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपको NONC दोनों की रिक्वायरमेंट है तो आप बताओगे कि मेरे को एक ऐसा प्रेशर चाहिए जिसमें मेरे को NONC मिले, या आपकी सिर्फ NO की रिक्वायरमेंट है तो बताओगे कि मेरे को ऐसा प्रेशर स्विच चाहिए कि मेरे को सिर्फ NONO की रिक्वायरमेंट है। NC वाले जर्नली नहीं आते, NO टाइप ही आपको देखने को मिलेंगे, जर्नली NO टाइप ही रहते हैं। NC चाहिए होता है तो हमें NO प्लस NC के साथ जाना पड़ता है। अब प्रेशर ट्रांसमीटर देख लेते हैं। देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर इस तरीके से दिखाई देते हैं, जनरली देखने से आप इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते कि आप देख के कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप ये कंक्लूड कर लो कि ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये प्रेशर स्विच है। आपको उस सेंसर के मॉडल से ही पर्टिकुलर डिटेल निकालनी रहती है कि उसका जो मॉडल है उसकी डेटा शीट निकालो, उसकी मैनुअल निकालो, तभी पता चलेगा ये कैसे काम करता है। प्रेशर स्विच और प्रेशर ट्रांसमीटर कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं। तो प्रेशर ट्रांसमीटर की जो आउटपुट होती है वो 2 फॉर्म में आपको मिल सकती है, एक तो वोल्टेज की फॉर्म में और दूसरा करंट की फॉर्म में। अगर वोल्टेज की फॉर्म में आपको मिलती है तो 0 से 5 volt DC या 0 से 10 volt DC आपको आउटपुट मिल सकता है। करंट की फॉर्म में आपको 4 to 20 milliamps के रूप में आउटपुट मिल सकती है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर 2 आउटपुट निकालते हैं, वोल्टेज और करंट। अब प्रेशर ट्रांसमीटर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर एक तो आपको फिजिकल मेजरमेंट के लिए सेंसिंग एलिमेंट, जिसकी अभी बात कर रहा था, वो हिस्सा लगा रहता है। सेंसिंग एलिमेंट जो है फिजिकल मेजरमेंट करके ट्रांसड्यूसर को अपनी आउटपुट देता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो फिजिकल आउटपुट है प्रेशर की, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर ट्रांसमीटर को दे देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको या तो करंट की फॉर्म में चाहिए, करंट की फॉर्म में 4 to 20 milliampere, या वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए तो 0 से 10 volt या 0 से 5 volt, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ले आता है, और आप इसको डायरेक्ट PLC से कनेक्ट करके अपना जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसको फिर कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर इस तरीके से वर्किंग रहती है कि पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, सेंसिंग एलिमेंट के बाद ट्रांसड्यूसर के बाद ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर से आपके आउटपुट जो है वो PLC पे चले।
चली जाएगी। अब अगर आपको किसी प्रेशर सेंसर को पीएलसी के साथ कनेक्ट करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसके बारे में बात कर सकते हैं, और आप अपनी मशीन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो प्रेशर सेंसर या प्रेशर स्विच है वो किस टाइप का है, प्रेशर सेंसर है या प्रेशर स्विच है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये जो सारी चीज़ें हैं इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के रूम में और बहुत सारे मैनुअल्स के साथ कैसे चीज़ों को किया जाता है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मात्र 3,500 रुपये के अंदर वो कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और आपके जो भी डाउट वगैरह रह सकते हैं उनको आप उसमें क्लियर कर सकते हो। तो अब आपके पास कोई सेंसर लगे हुए हैं मशीन के अंदर और वो पीएलसी से कनेक्ट है, आप कैसे कंक्लूड करोगे कि वो प्रेशर स्विच है या प्रेशर सेंसर है। तो मान लीजिए आपके पास कोई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, सबसे पहले तो प्रेशर स्विच जो आपका है ना वो कनेक्ट होगा आपके डिजिटल इनपुट के साथ पीएलसी की। मान लीजिए सीमेंस की पीएलसी है तो इसके अंदर 0.1 0.2 ऐसे इनपुट रहते हैं, तो अगर आपका जो प्रेशर स्विच है उसकी वायर जो है वो डिजिटल इनपुट से कनेक्ट है तो आप उसको कंक्लूड कर लोगे कि वो प्रेशर स्विच है। अगर आपका प्रेशर सेंसर डिजिटल आउटपुट निकाल रहा है और पीएलसी के वो डिजिटल मॉड्यूल से कनेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका प्रेशर स्विच होगा। अगर आपका प्रेशर सेंसर एनालॉग इनपुट के साथ कनेक्ट है पीएलसी के, पीएलसी के अंदर आपने देखा होगा डिजिटल और एनालॉग दो इनपुट मॉड्यूल रहते हैं, अगर आपका जो प्रेशर सेंसर है उसकी जो वायरें हैं वो एनालॉग इनपुट पे कनेक्ट हैं, चाहे वो वोल्टेज की फॉर्म में हो चाहे वो करंट की फॉर्म में हो, तो वो आपका क्या होगा, प्रेशर ट्रांसमीटर होगा। तो प्रेशर स्विच आपका जब भी मशीन में लगेगा उसकी जो आउटपुट की वायर है वो डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट होगी, प्रेशर ट्रांसमीटर आपका जब भी मशीन में लगेगा उसकी जो इनपुट की वायर है वो आपके एनालॉग मॉड्यूल पे कनेक्ट होगी। तो आप पीएलसी की वायरिंग से भी इंश्योर कर सकते हो कि आपकी मशीन में आपके सिस्टम में प्रेशर स्विच लगा हुआ है या प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। तो ये था प्रेशर सेंसर के बारे में। आगे फर्दर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेन गेज, कैपेसिटिव और पीजो इलेक्ट्रिक ये कैसे होते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर, अलग अलग तरीके के प्रेशर को मापने के लिए अलग अलग प्रेशर सेंसर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।